नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में इस लाइन को जो है ब्रॉडगेज किया जा रहा है और यहां पर जो है अब आखिरी चरण का काम जो है चल रहा है और जय संबंध रेलवे स्टेशन पर उदयपुर की तरफ जो है ट्रैक डालने का काम जो है शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ट्रैक डालने का जो काम है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। पहले यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह बिछाया जाएगा दोस्तों, ब्लास्ट के बाद में स्लीपर और स्लीपर के बाद में यहाँ पर जो है रेल का काम जो है किया जाने वाला है। और यह काम होने के बाद जो पूरा एक रूट है दोस्तों, कम से कम यहाँ पर जो है ब्रॉडगेज का काम तो पूरा हो जाएगा, बसता इलेक्ट्रिफिकेशन तो उसको एक साल के अंतर्गत ही कर लिया जाने वाला है। हम आपको कोटाना, ऋषभदेव रोड स्टेशन, कुंडलगढ़, शिमारी, सुरखंड का खेरा, जय सामंद रोड और पडला और जवार स्टेशन की अपडेट भी देने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जय संबंध रोड रेलवे स्टेशन जो है, जय संबंध रेलवे स्टेशन यहां पर उदयपुर की तरफ जो है ट्रैक डालने का काम शुरू हो गया है और लगभग लगभग 80% तक का काम भी पूरा हो चुका है। यहां पर अगर परसेंट की बात करा जाए तो इसके बाद हम बात करते हैं कोटाना रेलवे स्टेशन के। तो यह सिंगल ट्रैक लाइन रेलवे स्टेशन है। प्रोग्रेस वर्क लगभग 70% तक का वर्क जो है यहाँ पर रेलवे के द्वारा कम्प्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा ऋषभदेव रोड रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रैक लाइन वाला यह रेलवे स्टेशन है और प्रोग्रेस की बात कर जाए तो 80% तक का वर्क यहां पर भी कंप्लीट कर लिया गया है। कुंडलगढ़ में रेलवे स्टेशन जो है बनाया जा रहा है, वहां का सिंगल ट्रैक लाइन रेलवे स्टेशन है। प्रोग्रेस वर्क थोड़ा स्लो है दोस्तों, काफ़ी काम यहाँ पर बचा हुआ है। 65% तक काम जो है हुआ है, बचा हुआ 35% तक काम जो है बहुत ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिमारी रेलवे स्टेशन की बात कर जाए तो 3 ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। प्रोग्रेस वर्क की बात कर जाए तो 80% तक का वर्क जो है रेलवे के द्वारा यहां पर भी कंप्लीट किया जा चुका है। उसके बाद सुरखंड का खेरा रेलवे स्टेशन, जहां पर सिंगल ट्रैक लाइन रेलवे स्टेशन है और प्रोग्रेस की बात कर जाए तो लगभग 90% तक का वर्क यहां पर भी रेलवे के द्वारा जो है कंप्लीट किया जा चुका है। उसके अलावा आता है दोस्तों जय संबंध रोड रेलवे स्टेशन, या 3 ट्रैक लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। 70% तक का वर्क जो है कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद पडला रेलवे स्टेशन, जहाँ पर सिंगल ट्रैक लाइन जो है बिछाई जा रही है और 90% तक का वर्क जो है यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा सबसे लास्ट में बात करते हैं हम जवार रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर 3 ट्रैक लाइन जो है बिछाई जा रही है और यहाँ पर भी 60% तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टनल्स है और टनल्स की वजह से काम का जो परसेंट है काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि जो काम है लगभग बहुत जल्द जो है पूरा कर लिया जाएगा। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि हमने 2 से 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अहमदाबाद से उदयपुर के बीच में लगभग 4 माह के बाद यहाँ पर ट्रेनों का संचालन जो है शुरू कर लिया जाएगा। दोस्तों, काम को जो है अप्रैल तक जो है पूरा करने की जो है यहाँ पर डेडलाइन रखी गई है। अप्रैल के बाद यहाँ पर दोस्तों जो है 1 से 2 महीने का जो समय मिलता है, यहाँ पर रेलवे जो है इस पर जो है स्पीड ट्रायल CRS वगैरह करके जो है निरीक्षण भी इस रूट का जो है कर लेने वाला है। तो मतलब समझ के चलिए, आपको जो है 4 महीने के बाद यह रूट जो है पूरा ओपन मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ओपन होने के बाद यह रूट जो है इलेक्ट्रीफाई नहीं होगा। इलेक्ट्रीफाई को फिलहाल दोस्तों 2023 तक के लिए जो है उसका जो है इंतजार करना पड़ेगा। ये जो 4 महीने बाद अगर यहाँ पर जो है ट्रेनों की शुरुआत की जाती है दोस्तों, तो वहाँ डीजल इंजनों के साथ ही शुरुआत जो है यहाँ पर की जाने वाली, क्योंकि रूट इलेक्ट्रीफाई नहीं हुआ है। इलेक्ट्रीफाई का भी समय है दोस्तों, इलेक्ट्रीफाई जो है पिछले 1 साल के बाद जो है होने वाला है। मतलब दोस्तों 2023 तक यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीफिकेशन का जो कार्य है रेलवे अधिकारियों के द्वारा और यहाँ पर जो है रेलवे जो है पूरा करने वाला है। आप यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ देख सकते हैं दोस्तों, जय संबंध रोड रेलवे स्टेशन पर जो है एक गाड़ी भी आई है जो कि जो है ट्रैक लेकर आई थी यहाँ बिछाने के लिए। तो बराबर यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों, उसको भी बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के नए अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे को फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।